All right, traders, a very warm welcome. So I'm CA Tanish Mangal. Welcome to Post Market Analysis and Trading Opportunities for Tomorrow. So आज डिस्कस करते हैं मार्केट में हुआ क्या, और मैं बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ कि मैं कैसे लाइव मार्केट में अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स को ऑब्जर्व करता हूँ, क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहता है। मुझे आज परफेक्ट एंट्री मिली थी, एकदम परफेक्ट। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, मैं भी पूरा आपको ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ उस चीज़ का, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चल क्या रहा था। आप देखोगे प्राइस जो चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत जोर का अपट्रेंड में, ठीक है। फुल मून लगा हुआ है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। तो फुल मून लगा हुआ है अपना 28 मई को, तो प्राइस ने लो बनाया है ऑलरेडी, प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अपने काफी टाइम से फुल मून पे वर्क कर रहे हैं, फुल मून और न्यू मून पे, तो एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। सो मेरे को लगा अगर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं यहां पे बाय करने के लिए। क्यों? ऑलरेडी बहुत भग चुका है, ऑलरेडी बहुत भग चुका है। मुझे बॉटम पे बाय करना है, मुझे बॉटम पे बाय करना है, और प्राइस ऑलरेडी भग चुका है 15,600 पे। मैं 15,570-80 पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं कहां इंटरेस्टेड हूं? मैं इंटरेस्टेड हूं 14,500 पे, ठीक है, 14,450 पे। इस लेवल पे मैं इंटरेस्ट हो पाऊंगा बाय करने के लिए। हुआ क्या देखना आप, 12:12 पे आज दिन में मैंने ऑब्जर्वेशन शेयर किया कि ट्रेंड जो चल रहा है निफ्टी का वो अप ट्रेंड है। मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला और उस पर 61.8% का रिट्रेसमेंट आया। तो मैं बताता हूँ कौन सा लेवल था। तो 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है। सो ट्रेंड जो चल रहा था वो अप ट्रेंड चल रहा था, ओके। सो मैंने यहां से लेकर एक यहां तक एक रिट्रेसमेंट डाला 12:12 तक, ठीक है। उस समय 12:12 हो रहे थे और मैंने देखा कि प्राइस जो है 61.8% के आसपास रिट्रेसमेंट दे रही है, ठीक है। प्राइस जो है 61.8% के आसपास रिट्रेसमेंट दे रही है। देखोगा मैं तो इसको और थोड़ा एक्सपैंड करूं, ठीक है, ये एग्जैक्ट लेवल था। So, मेरे ये 12:15 के आसपास प्राइस वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, 61.8% के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। डिसेंट रिट्रेसमेंट था, एकदम डिसेंट रिट्रेसमेंट। तो मैंने बोला, तो यहाँ पे मुझे व्यू मिला कि प्राइस ने डिसेंट रिट्रेसमेंट करा है, यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ से खरीदे जा सकते हैं, पर कंफर्मेशन नहीं मिली थी। फिर एक और पॉइंट मैंने शेयर किया सेम 12:15 पे कि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने और वापस से रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। अब देख रहा हो ब्रेकआउट दिया है निफ्टी में और वापस से यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। सिंपल ऑब्जर्वेशन आप देखना। सो हुआ क्या, ये देखो प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ब्रेकआउट के लिए, ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? अब मैं आता हूं डेली चार्ट पे। याद है मैंने आपको बोला था कि यहां पे कहीं ऐसा ना हो ये वाली कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व करना, ये वाली कैंडल को सिर्फ, मैं इसको हाइड कर देता हूं, काम करता हूं, आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन का एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कैसे प्राइस के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो मैंने याद करो आपको बोला था कि यहां पे पॉसिबिलिटी है एम पैटर्न ना बन जाए और डोजी एट द टॉप बनाया है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं था मेरे माइंड में कि ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत ज्यादा। और फिर क्या हुआ, यहां पे प्राइस ने उसका ब्रेकआउट दिया था। हाँ, तो यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट दिया था, यहां पे इस लेवल पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से टेस्ट करने आया है और ब्रेकआउट देने के बाद अगर रीटेस्ट करता है तो वो और स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाता है। तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली प्राइस यहां पे आया और ये सारे लेवल्स पुराने लेवल से, प्राइस यहां पे आया, फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अगली ही कैंडल वापस से ऊपर। और क्या शेयर किया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था, ये लाइव मार्केट में मैंने ऑब्जर्वेशन किया था। मैंने बोला इन डेली चार्ट 12:18 In daily chart, trend is also up. One can start buying on confirmation for swing trading purpose. ठीक है? मतलब decent low हो चुका, अब trend में चल रहा है, decent retracement दे चुका, यहाँ से आप buy करना चालू कर दो। Suppose कोई 10 quantity buy करता है, कोई 10 lot buy करता है,
तो दो लॉट बाय करो, फिर कंफर्मेशन पे और दो लॉट बाय करो, इसे बोलते हैं पिरामिडिंग। ठीक है, पिरामिडिंग की मान लो अगर आपका विनिंग ट्रेड तो जैसे जैसे वो मूव करता जा रहा है उसमें क्वांटिटी ऐड करते रहो। जैसे आप एवरेजिंग करते हो ना कि प्राइस नीचे गिरा आप एवरेज कर लेते हो, प्राइस नीचे गिरा एवरेजिंग कर लेते हो, वैसे ही पिरामिडिंग क्या होता है, प्राइस ऊपर गया आपने और खरीद लिया, प्राइस ऊपर गया और खरीद लिया, अपने विनिंग ट्रेड को आप बाय करते जा रहे हो, ये था पिरामिडिंग। ठीक है, सो ये मैंने बोला कि बाय करना स्टार्ट कर सकते हो कंफर्मेशन में स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए, नॉट इंट्राडे। ठीक है, फिर देखना क्या हुआ। फिर मैंने 12:20 पे बैंक निफ्टी को देखा, मैंने बोला बैंक निफ्टी जो है वो हायर लोस बना रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जाने को तैयार नहीं था। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे बताऊं तो आपको और क्लैरिटी समझ आएगा। ये देखो बैंक निफ्टी जो है हायर लोस बना रहा है, क्योंकि मैं जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को साथ में देखता हूं। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए, जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो यहां पे जो है बैंक निफ्टी, अब देख लो लो बनाया यहां पे लो बनाया, और यहां पे बैंक निफ्टी जो है वो हायर लोज बना रहा है, दिख रहा होगा आपको। हायर लो और अगेन अगेन हायर लो, तो देख रहा हो हायर लोस बना रहा है, तो बैंक निफ्टी नीचे जाने को तैयार नहीं है और एक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। फिर आगे देखना आगे क्या हुआ, पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, परफेक्ट डे था बुल्स के लिए। ठीक है, परफेक्ट एंट्री मिली। ठीक है, फिर 1:56, ये फिर मैंने 1:13, 1:13 पे ये चार्ट शेयर किया बैंक निफ्टी का, 1:13 तकरीबन इस लेवल के आसपास, 1:13 इस लेवल के आसपास, कि बैंक निफ्टी में अगर ये तोड़ता है तो एक जोर का मूव अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, एकदम परफेक्ट लेवल ड्रॉ किया था, लोज जो है हायर लोज होते जा रहा है। ठीक है, निफ्टी का लेवल माइंड में था कि निफ्टी जो है 61.8 तक रिट्रेसमेंट कर चुका, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट कर चुका है, सारी बातें चल रही थी माइंड में, पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही थी। वेट करो सही एंट्री का, वेट करो, और फाइनली फाइनली यहां पे क्या हुआ, 1:56 पे सुपर ट्रेंड इज बुलिश इन 15 मिनट्स, डोंट होल्ड एनी शॉर्ट्स। सुपर ट्रेंड बुलिश हो गया है, डोंट होल्ड एनी शॉर्ट्स 1:56। देखो आप निफ्टी का बोला था मैंने, ओके, सो आप देखो 15 मिनट्स में सुपर ट्रेंड ओपन करूं मैं, सुपर ट्रेंड ये देखो, सुपर ट्रेंड ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे सुपर ट्रेंड बुलिश हो गया था, यहां पे लॉन्ग जाते और देखो क्या जोर का मूव मिला, क्या जोर का मूव मिला, क्या क्या चीजें चल रही थी। बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन, निफ्टी का क्या रिट्रेसमेंट, डिसेंट रिट्रेसमेंट, ठीक है, 61.8% का फिबोनाची लेवल, कितनी सारी चीजें चल रही थी, और उसके बाद कैसे पैसा लूज कर जाते हैं। ये नहीं बोल रहा है लूज कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है, मार्केट से फाइट थोड़ी ना कर सकते हैं। इतना ज्यादा कंफर्मेशन मिला तब जाके एक एंट्री ली, और देखो क्या जोर का मूव कैप्चर किया, बोला भी था मत काटना ये तो जाएगा ऊपर। ठीक है, मत काटना जाएगा ऊपर, कल भी अगर ये हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, तो कल अगर गैप अप ओपन हो जाए तो अकॉर्डिंगली वेट करना, उसके बाद काट देना सौदे को। तो सभी लोग होल्ड करके गए, मैंने सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे एकदम स्पून फीडिंग जैसा करके दिया था। ठीक है, कि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, देखो कोई अगर एक्सपेक्ट करता है कि बता दो हमें कॉल लेना है पुट लेना है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ जिससे आपको समझ में आए अच्छा ये चीजें चल रही हैं, ताकि आप बाद में मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आपको पता होना चाहिए कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे एनालिसिस करना है। ओके, सो परफेक्ट एंट्री थी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, सो सभी लोगों ने पैसा बनाया होगा, तो बनाया है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर आज कमाया। और ठीक है, सो ये था निफ्टी का ऑब्जर्वेशन, यही था बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन, एक परफेक्ट डे था। ठीक है, बहुत बढ़िया मूव कैप्चर किया, और अभी भी होल्ड करें, कल अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो उसको अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन देख के इसको काट देंगे। ठीक है, सो ये है प्राइस एक्शन की ब्यूटी। तो बात करते हैं अब कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। सो अभी ऐसा कोई लेवल दिख नहीं रहा है, अभी यही एक लेवल है, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये एक लेवल है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट करने चला जाए, और रीटेस्ट करने वापस नेगेटिव आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, इंट्राडे के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है इस लेवल को भी तोड़ने के बाद ऊपर चला जाए, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई नए लेवल नहीं बनाए, जो लेवल है सब पुराने वाले लेवल है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी इसको मैं हटा देता हूं, बैंक निफ्टी इसको
second. Okay. So bank Nifty में भी मैं trend line को थोड़ा expand कर देता हूँ. ये लो. Extend कर दिया trend line को. So हो सकता है ये ऊपर चला जाए और ऊपर तोड़ने के बाद यहाँ पे एक support face कर सकता है. ठीक है. Resistance face कर सकता है. तो ये level सब important है. बाकी और कोई नए levels है नहीं. मुझे ऐसा कोई levels दिख नहीं रहे. बाकी यही level है जो दिख रहा है आपको. ठीक है. So, काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन होने का या जो भी है. तो जैसे मैंने बोला है, मैंने प्रॉमिस किया है कि 1000 सब्सक्राइबर्स पर मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा. ठीक है. ओपन कर दूंगा ताकि उसमें लाइव मार्केट में और आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मिल पाए, एनालिसिस मिल पाए. ठीक है. बट उसके लिए जब तक आपको प्रॉपर चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि जब अपने टेलीग्राम पे ओपन डिस्कशन करेंगे ना, तब आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं सोच रहा हूँ, कैसा कब बाय करना है, कब सेल करना है. ठीक है. आपको पता होना चाहिए. इसलिए मैं डेली बेसिस पे ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन टेलीग्राम चैनल दिखा के कि कैसे 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 एनालिसिस करते हैं, कैसे आपको सोचना है. ठीक है. सो वो आपके माइंड में रहे. ओके. सो बात करते हैं स्टॉक्स की. टोरेंट पावर अपना आज मूव दिया नहीं. ठीक है. कल इसमें मूव आना 80-90% प्रोबेबिलिटी है कल इसमें मूव आएगा टोरेंट पावर में. सो टोरेंट पावर को आप ट्रैक करोगे कल के लिए भी, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है. ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट कर लिया. ठीक है. तो अगर ये ऊपर निकलता है तो जोर का मूव आएगा. कल आप इसको ट्रैक करना. नीचे ऊपर कहीं भी मूव आ सकता है, पर कल मूव आएगा तो ट्रैक कर सकते हो आप. पर ऊपर साइड का ज्यादा लग रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका कोरोमंडल. इसने कुछ वही साइडवेज घूमता रहा, अपने रेंज में ही ट्रेड करता रहा, रेंज में ही ट्रेड करता रहा. सो इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं. देन डेल्टा कॉर्प. डेल्टा कॉर्प आज का जैकपॉट था. डेल्टा कॉर्प जो है आज का जैकपॉट ट्रेड था. सो एकदम परफेक्ट एंट्री. देखो आपको ना मैं एक बात बताता हूँ, प्राइस एक्शन की बहुत बढ़िया बात बताता हूँ. आपको मार्केट में हमेशा मौका मिलता है, आपको मार्केट में हमेशा मौका मिलता है, या तो बाय करने का या तो लॉस हो रहा है तो कटने का. बिल्कुल मौका देता है. ठीक है. जैसे कि चलो निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें कि निफ्टी ने आपको कहां मौका दिया. सुन सेकंड, बस मौका ढूंढना पड़ता है आप लोगों को. जैसे ये सो निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट ओपन करूं तो निफ्टी ने मुझे एक मौका दिया कि भाई अगर आप यहां पे बाय नहीं कर पाए, तो हम गिरने को तैयार है. थोड़ा सा हम रिट्रेसमेंट करेंगे, आप हमें लोअर लेवल्स पे बाय कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है, हमारा जो ट्रेंड अप ट्रेंड है. सो अगर मैं यहां पे बाय नहीं कर रहा, मेरे को बाय करना यहां पे, और आज परफेक्ट एंट्री मिली. 14500 पे बाय किया, 76 पॉइंट का इंट्राडे मूव. ठीक है. 76 पॉइंट का इंट्राडे मूव क्या होता है, कल अगर गैप अप खुल गया तो और ज्यादा मूव मिल जाएगा. ठीक है. सो मार्केट आपको मौका देता है वापस से एंट्री करने का, बस आपको वेट करना पड़ता है, ओके. सो बात करते हैं उसी का, डेल्टा कॉर्प का. डेल्टा कॉर्प ने कैसा मौका दिया आपको देखना. चल क्या रहा था, ये देखो. जैसे कि बात करते हैं पैटर्न. पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था. रेंज में ट्रेड कर रहा था. हुआ क्या, फर्स्ट 5 मिनट्स में प्राइस ने बुलिश कैंडल बनाया, नीचे साइड रिजेक्शन, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा, पैटर्न तोड़ा. ठीक है. फिर से मान लो किसी ने यहां पे बाय कर लिया होगा, यहां पे स्टॉप लॉस होगा, यहां पे नीचे स्टॉप लॉस होगा, तो उन्होंने तो कमा लिया होगा. पर जो लोग बाय नहीं कर पाए, जिनको लग रहा था पता नहीं गिर ना जाए, तो आप देखो ना कितना बढ़िया मूव दिया, कितना बढ़िया मौका दिया इसने बाय करने का. ऊपर आया, नीचे आया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट. रिट्रेसमेंट कर रहा है और रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस से रिजेक्शन मार रहा है नीचे साइड, और नीचे साइड रिजेक्शन. तो बाय तो करना है ना. तो अगर आप यहां बाय नहीं कर पा रहे तो यहां तो बाय करोगे. इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड, अपना जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. सपोज कोई बाय करता है 169.45 पे और कोई बाय करता है 168 पे, तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो तो बढ़ गया ना. ठीक है. स्टॉप लॉस सेम है, पर किसी ने बाय करा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा कमाएगा तो यहाँ पे बाय करा है. क्यों? क्योंकि उसने पेशेंट, उसने वेट करा था, उसने पेशेंस रखा था. प्राइस को मार्केट से बार्गेनिंग करना सीखो कि भाई मुझे इस प्राइस पे एक्सेप्टेबल नहीं है, नीचे गिर फिर लूंगा मैं, नीचे गिर, और गिरा, रिट्रेसमेंट करा, बाय करो. पहले व्यू बनाना पड़ता है कि बुलिश लग रहा है, बेरिश लग रहा है, उसके बाद नेगोशिएशन करो. और लग रहा है कि नेगोशिएशन हो नहीं पाएगा, ये तो जाने को तैयार ऊपर, तो फिर बाय कर लो, मोमेंटम को कैप्चर करो. और लग रहा है, अगर डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अवॉइड करो ट्रेडिंग को, सिंपल ऑब्जर्व करो. ठीक है. सो डेल्टा कॉर्प आज का परफेक्ट अपना ट्रेड था. देन हिंदुस्तान जिंक. हिंदुस्तान जिंक में हुआ क्या,
सो हिंदुस्तान जिंक ने वही अपने लेवल पे अच्छी खासी कैंडल बनाई, पर रिजेक्शन पड़ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन पड़ा, यहाँ पे रिजेक्शन पड़ा, तो ऊपर एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी प्राइस, ऊपर जो प्राइस एक्शन था वो वीक था, और यहाँ पे फिर उसने ब्रेकडाउन दिया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, थोड़ा वापस से फिर लोअर हाई लोअर लोस बनाने लगा, ठीक है। सो हिंदुस्तान जिंक में ओके, सो बात करते हैं कल कौन कौन से स्टॉक आपको ट्रैक करने हैं। सो ये है एससीएल टेक, एससीएल टेक आप ट्रैक कर सकते हो, एक लेवल लगा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। सो अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो एक मूव आना एक्सपेक्टेड है, प्लस यहाँ पे हायर लोस बना रहा है, हायर लोस बना रहा है, ठीक है, हायर लोस, तो एक बुलिश मूव आ सकता है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, पर अकॉर्डिंगली वेट करना है ओपन कैसे होता है। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका सेल, तो सेल को भी आप ट्रैक कर सकते हो, सेल भी एक रेंज में फंसा हुआ है, आप देखोगे एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये एक डाउन ट्रेंड लाइन लगी, अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक मूव आना एक्सपेक्टेड है, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो कल के लिए। देन नेक्स्ट स्टॉक है अपना ONGC, सो ONGC भी अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है इस लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तीन चार बार ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, सो अगर ये कल सस्टेन कर गया इसके ऊपर तो एक जोर का मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लगातार इतना कैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया, वापस से टेस्ट करा, तो अगर यहाँ पे ऊपर साइड निकलता है, नीचे साइड रिजेक्शन पड़ते हैं, तो हम ऊपर का मूव देख सकते हैं। तो चार स्टॉक है कल के लिए, ONGC, सेल, अपना SCL टेक और अपना टॉरेंट पावर, टॉरेंट पावर को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आज ही मूव दिया नहीं है, पॉसिबिलिटी कल मूव दे दे, ओके। सो आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, बहुत बढ़िया वीडियो था, ठीक है, प्राइस सेक्शन के बारे में काफी कुछ समझे होगे आप लोग, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और सबको बेनिफिट मिल पाए, और जैसे प्रॉमिस किया है 1000 सब्सक्राइबर्स पे मैं टेलीग्राम चैनल पे खुद आपको और हेल्प करूंगा आपकी ट्रेडिंग के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।